करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल जो मुझे नहीं पता था एंड अचानक मैंने उनको देखा यू नो जो भी मेरा प्रूफ था मुझे ज़्यादा डिटेल्स मैंने डिस्कस करना है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू नो इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज लाइक नो आई लव समवन एल्स आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की कब मिले आप उसको तो ही सर वो दिल्ली से और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपने फैमिली से वो दूर रह सकें दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइव्स होंगी पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ तब उन्होंने ये सब बोला मेरा ये है वो है फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे क्योंकि कावश छोटा है तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते पर या यू नो तो ठीक है यू नो वील वर्क ऑन इट मैं वापस चली जाऊँगी और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ हमारी बात हुई सब हुई लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला मैं वापस आई उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेकअप यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट वो सब करण ने कुछ नहीं किया मैंने बहुत एफर्ट्स डाले आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है दूसरी चीज़ करण्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स दिस इज़ नॉट न्यू ओके उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है इट्स डिफ़िकल्ट मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो ऐसी ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड यू नो मॉम शेमिंग या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज़ नॉट ओके